तो हम लोगों को एक्चुअल में जाना था ले पहले, जो कि यहाँ पे ये वाला, और हम लोग ये पता नहीं कहाँ पे आ गए। हम लोगों ने लोगों से पूछते 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 आए, हम लोगों ने गाड़ी ऊपर चढ़ा दी और यहाँ पहुँच गए। यहाँ पहुँचने के बाद ठीक है कोई नहीं, यहाँ से पूरा ले सिटी का व्यू दिख रहा है बस रुपये की, और उधर शांति से भी दिख रहा है हम लोगों को। वेलकम बैक टू अवर चैनल एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। अभी हम लोग है गुरुद्वारा पत्थर साहिब पे, तो ये कुछ गुरुद्वारा पत्थर साहिब के बाहर का सीन है। अभी मैंने उन आर्मी ऑफिसर से पूछा कि थोड़ा अंदर तक ही हम शूट कर सकते हैं, ज़्यादा शूट करने की परमिशन नहीं है। इसलिए मैंने सोचा कि यहीं से ब्लॉग स्टार्ट कर देते हैं। और आप लोगों को वहाँ पर एक बोर्ड है, जिस बोर्ड के ऊपर गुरुद्वारा पत्थर साहिब की हिस्ट्री लिखी हुई है, वो मैं आप लोगों को दिखा दूंगा, आप पॉज करके पढ़ लेना। मैं नरेट करूँ इससे अच्छा आप लोग पॉज करके पढ़ लो, आप लोगों को अच्छे से डेट पर इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो ये है गुरुद्वारा पत्थर साहिब का एंट्रेंस, और बाहर का कुछ ऐसा सीन है, पूरे आर्मी ऑफिसर्स खड़े हुए, तो ज़्यादा शूट करने की परमिशंस नहीं है। तो ये कुछ यहाँ पे गुरुद्वारा पत्थर साहिब की हिस्ट्री लिखी हुई है, यहाँ पे हिंदी में भी है। तो मैं एक बार ऊपर से नीचे टिल्ट कर देता हूँ ताकि आप लोग पढ़ पाओ, पॉज करके पढ़ लेना आप लोग। ये वाला है हिंदी में और ये वाला है इंग्लिश में। मार्क्स रखो, कोरोना क्या पता दोबारा आ जाए। तो ये कुछ है, अभी हम लोग चलते हैं अंदर। हाँ, ये अंदर कुछ ऐसा है। तो यहाँ पे शूज वगैरह निकालना है अपने को, और यहाँ से आगे शूट करने की परमिशन नहीं, इससे आगे शूट करने की परमिशन नहीं है ना सर? ओके। अभी हम लोगों ने गुरुद्वारा पत्थर साहिब में लंगर में खाना खाया। खाना जो था स्वाद, मैंने वहाँ पे जो दाल खाई थी, किस पर मूंग दाल थी, मूंग दाल के साथ चपाती और राइस खाया हम लोगों ने, एकदम स्वाद खाना था, पेट भर के खाना खाया। और खाना परोसने के लिए अपने आर्मी के जवान ही थे, लेकिन यहाँ एक आधा पौना घंटा बीता कर इतना अच्छा लगा, फुल्ली पॉजिटिव एनर्जी के साथ और मन शांत करके हम लोग गुरुद्वारा पत्थर साहिब से बाहर आए। और यहाँ पे इतना, मतलब क्या बोलते हैं उसको, वर्ड में एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा मैं। उन लोगों ने हम लोगों को चाय दी, बिस्कुट दिया, किशमिश भी दी, खाना खिलाया, और इतनी अच्छी तरह। और हाँ, लंगर से जब हम लोग बाहर आ रहे थे, तो वहाँ पे एक जवान हम लोगों को थोड़ा सा शीरा प्रसाद के तौर पे दे रहे थे, और वो शीरा जो था ना, शीरा था। हाँ, और इतना स्वादिष्ट था वो, क्योंकि अपन घर पे भी नहीं बना सकते, बट ऐसा शीरा यही लोग बना सकते। मुंह में रक्त ही पिघल गया वो शीरा, इतना स्वाद था, एकदम एक्सपीरियंस हम लोगों का पूरा अलग लेवल पे था। पे आके आप लोग एक्सपीरियंस कीजिए। और गुरुद्वारा पत्थर साहिब कंस्ट्रक्टेड, मेंटेन्ड एंड मैनेज्ड बाय आर्मी है। पूरा यहाँ का जितना कुछ रखवाली आर्मी करती है, कंस्ट्रक्ट भी आर्मी ने ही किया है और मैनेज भी आर्मी ही करती है। और अभी हम लोगों ने जब एंटर किया गुरुद्वारा पत्थर साहिब में, उसी के 15 मिनट्स पहले कौन सी हीरोइन थी? रिचा चड्ढा आकर गई है। रिचा चड्ढा आकर गई यहाँ पे, फुकरे में की हीरोइन, फुकरे रिटर्न, इनसाइड एज। मिस हो गया, 15 मिनट से मिस हो गया। जाने दे, छोड़, अभी वो संगम पे गई है ना।
जाना था ले पहले, जो कि यहाँ पे ये वाला, और हम लोग ये पता नहीं कहाँ पे आ गए। हम लोगों ने लोगों से पूछते 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 आए, हम लोगों ने गाड़ी ऊपर चढ़ा दी और यहाँ पहुँच गए। यहाँ पहुँचने के बाद ठीक है कोई नहीं, यहाँ से पूरा लेह सिटी का व्यू दिख रहा है सब मस्त भाई की, और उधर शांति स्तूप भी दिख रहा है हम लोगों को। तो शांति स्तूप को हम लोगों को सनसेट होने से पहले पहुँचना है, उससे पहले लेह पैलेस करना है। तो चलते हैं, रिवर्स लो भाई। ए रुक 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 रुक, हाँ आने दे, चल हाँ आने दे, फुल फुल टर्न ले, हाँ आने दे आने दे आने दे आने दे, पूरा पीछे आने दे, आप आने दे। फाइनली 20-25 मिनट के जंतोजहद के बाद लोगों को पूछते पूछते लेह के गलियों को क्रॉस करते करते हम लोग पहुंच चुके हैं लेह पैलेस पे। और यहाँ पे पार्किंग का बहुत इशू है यार, लेह सिटी में पार्किंग का इतना इशू है, मुझे लेह सिटी बिल्कुल पसंद नहीं आई, बहुत कंजेस्टेड है। ये देखिए कितनी कंजेस्टेड है लेह सिटी, इतना कंजेस्टेड तो अपना गाँव ही नहीं है। और जैसे ही सूरज नीचे जा रहा है, सूरज डल रहा है, ठंड बढ़ते जा रही है। दिन भर में अपने थोड़ी भी ठंड नहीं लगी ना, अभी ठंड लग रही है। चलो अब देख रहा तेल पैलेस क्या है। तो पैलेस के अंदर तो वीडियो वाला उड़ नहीं है, सिर्फ फोटो वाला उड़ है, इसलिए मैं पैलेस के बाहर से वीडियो निकाल रहा हूँ। और ये इतनी तेज हवा चल रही है कि पूरा धूल 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 दिख रहा है पूरा बाहर, और अंदर कुछ भी नहीं है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट वगैरह के बारे में इन्फॉर्मेशन दी हुई है, बुद्धिस्ट कल्चर के बारे में इन्फॉर्मेशन दी हुई है, बाकी कुछ नहीं है। हम लोग अभी लेह पैलेस में एंट्री करके वापस आ चुके हैं, और मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन दूँ तो मुझे नहीं पसंद आया लेह पैलेस। अगर आपको ऐसे वाले स्ट्रक्चर में पैलेस में इंटरेस्ट है तो आप लोग अंदर जा सकते हो, अंदर कुछ नहीं है ज़्यादा, सिर्फ इन्फॉर्मेशन दी है पेंटिंग के थ्रू, पेंटिंग्स के थ्रू इन्फॉर्मेशन है फर्स्ट लेवल पे। सेकंड लेवल पे एक मंदिर है, हाँ मंदिर है, और बुद्धिस्ट टेंपल है, और वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के बारे में इन्फॉर्मेशन दी हुई है जो कि आप लोगों को नेट पे मिल जाएगी। हाँ लेकिन आप लोगों को अगर लेह सिटी का पूरा व्यू लेना है तो आप लोग 6वीं 7वीं लेवल पे जाके लेह सिटी का पूरा व्यू ले सकते हो, बस इतना ही है। हम लोगों को तो नहीं पसंद आया, हम लोगों की एनर्जी भी वेस्ट हो गई। हम लोगों को अगर पता होता कि ऐसा होने वाला है तो हम सीधे सीधे शांति से वहाँ चले जाते। ठीक है, बाकी के साइट्स मतलब जितना हम सुबह से घूम रहे वो इससे बेहतरीन थे। और एक बात मैं यहाँ पे पॉइंट आउट करना चाहूँगा, वॉशरूम्स की बहुत कमी है, लेडीज़ के लिए प्रॉब्लम, जेंट्स का तो क्या, जेंट्स कहीं पर भी कर सकते हैं। तो अभी ओम यहाँ पे चाय पीने के लिए रुका था तो हम भी रुक गए, और मैंने लोकल से पूछा कि लेह पैलेस की हिस्ट्री क्या है, तो उन्होंने बताया हिस्ट्री वगैरह कुछ नहीं है, यहाँ का जो राजा था वहाँ पे रहता था इसलिए उसको लेह पैलेस कहा जाता है, बाकी कुछ भी नहीं। तो आज का हम लोगों का ये आखिरी स्टॉप था शांति स्तूपा, लेकिन शांति स्तूपा तक पहुँचते पहुँचते हम लोगों की फट गई, क्योंकि लेह के गलियों गलियों से घूम घूम के आए हैं हम लोग। और यहाँ आने के बाद ये पता चला कि बाहर इतनी हवा चल रही है, इतनी ठंडी हवा चल रही है, और उसके साथ साथ धूल मिट्टी उड़ रही है, सैंडस्टॉर्म टाइप, पूरा मेरे तो शूज़ के अंदर मिट्टी मिट्टी हो चुकी है। तो हम लोगों ने ट्राई तो किया वहाँ तक जाने का, लेकिन हो नहीं पा रहा है। तो वही यहीं से शांति सुबह को बाय बाय, लेह का तो ऊपर से व्यू देख लिया, ऊपर जाने में कोई मतलब नहीं है, चलो होटल में। वी आर बैक टू आवर होटल, गो स्टॉप पे वापस आ चुके हम, लेकिन हम लोगों की कल की बुकिंग थी ग्राउंड फ्लोर वाले रूम पे, और आज की बुकिंग है ऊपर वाले रूम में जो कि बंक बेड वाला रूम है। और आज हमारे साथ है, तो कल ओम ने बुकिंग करते समय गड़बड़ कर दी, गड़बड़ में एक अच्छी बात हुई कि नाम भूल गया मैं, सॉरी हितेश। तो इस बंदी का नाम है हितेश, पता है कि बॉयज नेम है। नहीं ऐसा कुछ नहीं रहता। तो साक्षी को भी एक पार्टनर मिल गया। नहीं मैं बहुत थक गई हूँ। तो आज की रूम ये वाली है हम लोगों की, हाँ यूट्यूबर ओके। और यहाँ से कुछ ऐसा व्यू है, नीचे के रूम से तो कोई व्यू नहीं आ रहा था हम लोगों को, इसके नीचे कल का हम लोगों का नीचे का रूम था, तो वही रूम हम लोगों को कंटिन्यू करना था, लेकिन बुकिंग नहीं थी उसकी। अच्छा हाँ, बात आज की हम लोगों की लेह की ट्रिप खत्म होती है। हम लोगों को जो देखना था वो हम लोगों ने देख लिया, पैंगोंग लेक और खारदुंगला पास। खारदुंगला पास हम लोग इसलिए नहीं गए क्योंकि
हमने चांगला पास, तांगलांगला पास और दो तीन पास देख लिए। तो वो पास पासेस देखने के बाद हम लोगों को खरदुंगला पास देखने की इतनी इच्छा नहीं है। हाँ, हालांकि वो खरदुंगला पास वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोटरेबल रोड है, लेकिन ठीक है बाकी के पास। अच्छा, तो हितेश कह रहा है कि बहुत अच्छा है खरदुंगला पास, लेकिन कह रही है, सॉरी। हाँ, तो हितेश कह रही थी कि बहुत अच्छा है खरदुंगला पास, उसने किया है, लेकिन हम लोग नहीं कर रहे, वो नेक्स्ट टाइम के लिए रखते हैं। तो वैसे तो मैंने नीचे रूम में ही व्लॉग एंड कर दिया था, लेकिन ऊपर आने के बाद और नए दोस्त मिल गए, दोस्त कहने से अच्छा भैया मिल गए, बड़े भाई हम लोगों के। तो आपका नाम क्या है भैया? राकेश भैया। और आप? राजीव भैया। तो ये भैया दिल्ली से हो ना? दिल्ली से, और पुणे में भी रह चुके, पुणे मुंबई रह चुके। और इन्होंने हम लोगों को बताया कि इनको दिल्ली से अच्छा माहौल महाराष्ट्र का लगता है, और इन लोगों को महाराष्ट्र के पीपल्स भी बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि वो डायरेक्टली बात करते हैं, कुछ मन में नहीं रखते, बराबर ना? तो ऐसे हम लोगों को रोज नए नए भैया मिल रहे, नए नए दोस्त जुड़ रहे, और टाटा पावर में भी काम करते हैं। हाँ, और हम लोगों की अभी यहाँ पे वो लोग बैठ के चाय पी रहे थे, तो हम लोगों की चर्चा छिड़ी थी टाटा के बारे में। तो ये भी टाटा लवर है, हम भी टाटा लवर है, तो ट्रैवलिंग के बारे में थोड़ी सी चर्चा हो रही थी। और ये जो आप लोगों को दिख रही मैम, ये है नेदरलैंड से।